अलबत्ता हमारे जो कैप्टन हैं उन्होंने शायद कैप्टन वाली भरी हुई सिगरेट लगा ली थी कि पहली बॉल पे वो गोल्डन बत्तख लेके आ गए, लेकिन कोई मसला नहीं, ही इज स्टिल द बेस्ट कैप्टन। अपने बाबर भाई ये छोटी टीम के साथ नहीं चलते है भाई, अगर उनकी परफॉर्मेंस देखनी है तो बड़ी टीम ले आओ भाई, कोई ऑस्ट्रेलिया लाओ, कोई इंग्लैंड ले आओ, ये गली मोहल्ले वाली क्रिकेट उनको रास नहीं आती, सीरियसली नहीं लेते, छोटी टीम के साथ ज्यादा जिन्हें एफर्ट करने का नहीं है। कल के मैच में जो सस्पेंस था एक दफा तो पूरे पाकिस्तान के लोगों की हवा में रही है कि भाई पता नहीं क्या होगा, इतना सस्पेंस तो हॉलीवुड की किसी हॉरर फिल्म में नहीं होता। एक दफा तो पूरा मैच अफगानिस्तान को दे दिया था कि भाई ले लो मैच जीतना है, ये लो, अरे नहीं देंगे, ये क्या चल रहा है, जीत तो हम गए लेकिन ऐसे मुंह में निवाला देके टेस्ट करा के वापस खींचना बहुत जाती है यार, ऐसे तो अगले रो पड़ेंगे ना यार, चीटिंग करता आउट पे आउट होते जा रहे हैं। अब आखिरी खड़ी हुई उम्मीद आसिफ पे थी और तभी तो बजाए ये सारा पहन पड़की का बाजा, क्योंकि जब आसिफ की विकेट गई है तभी वो उनका बॉलर क्या नाम है यार राजा जी उसका, वो फरीद क्या, मेरी तरफ से तो फारिग ही है, जो भी वो आके आसिफ को यूं कर रहा है, मुंह पे यूं कर रहा है, तू ये क्या होता है इसका मतलब, ये क्या है, ये पोंका दिखा रहा है आसिफ को, पोंका दिखा रहा है, काहे को जज्बाती हो रहे हो भाई, उधर इंडिया के साथ जो हमारा मैच चल रहा है उसमें हमारे चुमी चाटे चल रहे हैं, इतना इजी सीन चल रहा है, तुम क्यों रो रहे हो यार। अब हमारे लोंडो का भी तो खून गरम है, ये पोंका वोंका दिखा रहा है तो उसने कहा मैं यार रख के बैट मारूंगा साले, तेरे मुंह से छक्का मार दूंगा मैं, वो भी शॉट हो गया। और फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए एक बच्चा जो अभी तक बेफॉर्म पे ट्रेवल करता है, नसीम शाह, लव यू नसीम शाह भाई, आया उसने कहा ओए भाई से भिड़ना मत, हम एक हैं एक रहेंगे, ये मेरी जान है। हुआ ये कि फिर नसीम के हसनैन के पास उसने कहा यार ये बल्ला जो है ना ये अल्लाह की कसम मजा नहीं करा रहा, तू अपना बल्ला दे दे, एक दफा मुझे तू बल्ला दे उसके बाद ये तेरी तो तरीता याद सतावे कर दूंगा उनका, वो यही हुआ भाई, उसने आखिर में छक्के छुड़ा दिए। हैंस अपना लोंडा जिससे उम्मीद ही नहीं थी, सब उसको बॉलर ही समझते और वो बॉलर ही है, बॉलर लोंडा अंदर मैच में घुस के फट गया। गरम खून है जानी, गरम खून है, समझने की कोशिश करो। और ये इंडिया वालों भाई हेलो, ये उर्वशी नोटेला को ना इसको तो साइड पे रखो, नसीम जानी इसके चक्कर में नहीं पड़ना, वरना फील्डिंग करते हुए चक्कर खा के नीचे गिर जाओगे, ये सीधा अटैक करेगी तुम्हारे घुटनों पे, परफॉर्मेंस जानी फील्ड में दिखानी है, फील्ड में और कहीं नहीं। मैच तो हम किस तरह कर कुरा के जीत गए लेकिन क्राउड पागल हो गया भाई, पवेलियन में उठा के कुर्सियां हम पाकिस्तानी फैन की पिट्ठी पे मार रहे हैं, यार क्या हो गया यार, बदतमीजी तो नहीं करो, ये वो वाले बच्चे होते हैं अगर इनका बैट होता है वो गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही होती है तो अपनी बारी के बाद कहते हैं मुझे अम्मी बुला रही मैं जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है यार, क्या हो गया। मैं अपने सारे अफगानिस्तान के भाइयों से कहना चाहता हूँ यार कोई मसला नहीं यार, गेम में कोई इशू नहीं, आप दूसरी दफा भी आपके साथ खेल लेंगे तब भी हार लेना कोई मसला नहीं, सब छोड़ो ये, लेकिन जो फारग बॉलर था ना इसको सबसे पहले तमीज सिखाओ, WWE नहीं चल रही यार क्रिकेट से सीन बदल के पूरा WWE हो गया पवेलियन में, ठंडे हो चुके हो यार, अभी बहुत मैचेस पड़े हैं यार, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है यार, हारने के लिए बहुत सारे मैचेस हैं आपके पास। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानी प्लेयर्स को और सारे पाकिस्तान की अवाम को, एक तो नसीम को शौकनों गिली चुमी, मजे आ गए, इसी तरह चलते जाओ भाई, फाइनल हमारा कप हमारा है। चलो भाई बात को ढक्कन देके बंद कर देते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, आप तो भाई आपका भाई यही मंच है, यही स्टेज है, यही कैमरा है, आपका भाई हाजिर होता रहेगा, यही जिंदगी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यार मेरा आउटरो क्या होता है यार, कोई आउटरो नहीं होता यार, सब्सक्राइब कर दो यार, 2 मिलियन पहुंचाने, अब मुझे नहीं पता भाई पहुंचाने, बाय। इसका मतलब समझे दया।